ये सैनिक इस आदमी को घोड़े से उतरने के लिए कहता है और उसके दो सैनिक इस आदमी के बैग की तलाशी लेते हैं तो उन्हें उस बैग में ढेर सारा सोना मिलता है जिसे देख ये सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ये सैनिक भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हम लोग अमीर हो गए। इसके बाद ये सैनिक इस आदमी को घुटने पर बैठने के लिए कहता है। दरअसल ये सभी इस आदमी को मारकर उसका सोना लेना चाहते हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि ये सभी जिस आदमी से पंगा ले रहे हैं वो भी अपने समय में कमांडो रह चुका है जिसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। एक जंग में तो इसने करीब 300 लोगों को अकेले ही मार गिराया था। अब सोचो इतना खतरनाक आदमी अपने सोने को इतनी आसानी से कैसे जाने देता। अब इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है इसलिए वो अपने चाकू को इस सैनिक के सिर के आर पार कर देता है जिससे उस सैनिक की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसे देख ये सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं और वो सभी लोग भी इस आदमी को बंदूक से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक ये आदमी इन सभी सैनिकों को एक एक करके मारने लगता है और उन्हें मार कर वहां से निकल जाता है। इधर इस कमांडर को भी बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी रुक जाता है और वापस इन्हीं लोगों की तरफ आता है।